सर थोड़ा समय, एक 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहूंगा मैं। शॉर्ट डिस्कशन के ऊपर बात करने का जो समय मुझे दिया गया, इसके लिए मैं स्पीकर सर को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। कोरोना महामारी के कारण अध्यक्ष, ओल्ड सिटी में जो छोटे छोटे कारोबार करते थे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो उसमें भी कई ऐसे आइटम्स बनाते थे, कोरोना महामारी के कारण कई लोग बर्बाद हो गए अध्यक्ष। कईयों लोगों की नौकरियां छूट गई, कईयों छोटे छोटे जो काम करते थे वो सभी बंद हो गए अध्यक्ष। मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो छोटे छोटे कारोबार करते थे, और कितने छोटे छोटे कारोबार करने वाले आज बेरोजगार हो गए, क्या उनको हम आइडेंटिफाई कर सके क्या? दूसरी बात अध्यक्ष, जैसे कांग्रेस हो या MIM हो, ओल्ड सिटी में मेट्रो का इशू पे बात करें, वैसे तो कई बार इस विधानसभा में ओल्ड सिटी में मेट्रो के लिए बात किया गया अध्यक्ष, मेट्रो आने में क्यों देरी हो रही है अध्यक्ष, आखिर इसका रीजन क्या है? ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट हर कोई चाहता है, लेकिन सिर्फ बातों से चाहता है, लेकिन प्रैक्टिकल ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, इस विषय पे आज चर्चा की आवश्यकता है अध्यक्ष। उसी प्रकार से न्यू सिटी एंड ओल्ड सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे अध्यक्ष, यही विधानसभा में KTR जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा रहा तो राज्य का डेवलपमेंट होगा। तो क्यों ओल्ड सिटी का डेवलपमेंट और न्यू सिटी के डेवलपमेंट में अंतर हो रहा है अध्यक्ष, क्यों भेदभाव किया जा रहा है, आज मैं सरकार से पूछना चाहूंगा। अध्यक्ष, जैसे मेरी विधानसभा भी पुराने शहर में आती है, अगर हम एक कैब भी अगर बुक करना चाहे तो कैब वाला एड्रेस देख के ऑर्डर कैंसिल कर देता है। अगर हम कोई भी खाने का फूड अगर हम बुक करना चाहे तो एरिया का नाम देखकर वो कैंसिल कर देता है। यानी इतना डर ओल्ड सिटी के प्रति, उसमें एक रीजन है अध्यक्ष, क्योंकि अगर हम ओल्ड सिटी में अगर कोई ऑर्डर लेके जाएंगे या कोई गाड़ी लेकर जाएंगे तो वहां पर रोड ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं है, जिसके कारण हमारी गाड़ी डैमेज हो सकती है, ऐसा एक फीलिंग उनमें है अध्यक्ष। उसी प्रकार से अध्यक्ष, मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि आज न्यू सिटी एवं ओल्ड सिटी का रेवेन्यू कितना आता है अध्यक्ष, क्या उसके हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट के प्रति विचार करते हैं, या ओल्ड सिटी के लिए अलग बजट और न्यू सिटी के अलग बजट, क्या उस प्रकार से हम सोचते हैं, वो भी आज सरकार को बताने की आवश्यकता है अध्यक्ष। आज न्यू सिटी में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है अध्यक्ष, ओल्ड सिटी से कई सारे ऐसे नौजवान न्यू सिटी में काम करने के लिए जाते हैं अध्यक्ष, और उनको आने और जाने में बहुत सारा समय बीत जाता है अध्यक्ष। इसलिए मेट्रो बहुत ही जरूरी है अध्यक्ष। अगर हम न्यू सिटी टू ओल्ड सिटी टू न्यू सिटी अगर पूरा हम मेट्रो अगर लिंक देंगे तो इन नौजवानों के लिए एक तो टाइम बचेगा और एक तो वो अच्छे से काम कर सकेंगे अध्यक्ष। उसी प्रकार से अध्यक्ष, कई ऐसे नौजवान हैं जिनको रोजगार तो बहुत ही जरूरी है, मजबूरन वो लोग न्यू सिटी में जहां जहां पर किराए का मकान मिल सकता है वहां पर जाकर रह के वो लोग कंपनियों में काम कर रहे हैं अध्यक्ष, जिनके कारण यानी किराया बनने में ही उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा चले जाता है, वो लोग कुछ भी सेविंग नहीं कर सकता अध्यक्ष। ये एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल ये है रीजन है अध्यक्ष। उसी प्रकार से अध्यक्ष, अगर हम ओल्ड सिटी की अगर विकास की बात करें तो बिना उस्मानिया के वो सब्जेक्ट पूर्ण नहीं होता। यही विधानसभा में कई बार उस्मानिया के प्रति चर्चा हुई, आपके मित्र जो MIM के लोग हैं वो लोग भी कई बार उस्मानिया को लेकर बात करें, मेरी विधानसभा में उस्मानिया है अध्यक्ष। मुझे अच्छा याद है कि हमारे मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा दिल लगकर उस्मानिया आए थे कि हम 200 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडल उस्मानिया हम बनाएंगे। सर, उस्मानिया बहुत जरूरी है। अगर ओल्ड सिटी की अगर हम डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उस्मानिया डेवलपमेंट होना बहुत ही जरूरी है अध्यक्ष, क्योंकि अगर कोई पैसे वाले अगर किसी व्यक्ति को न्यू सिटी या कहीं भी किसी को व्यक्ति को अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकता है, लेकिन ओल्ड सिटी के अगर कोई गरीब वर्ग के कोई व्यक्ति को और कुछ प्रॉब्लम आता है
उस्मानिया के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अध्यक्ष। वहाँ पर बेड्स की कमी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर हाल ही में हेलमेट लगाकर भी ट्रीटमेंट करे अध्यक्ष। वहाँ पर अगर बरसात आई तो उस्मानिया के अंदर पानी चले जाता है, यानी पहले को आपको बहुत अंतर है अध्यक्ष। पहले तो कम आबादी थी, नाले नाले इजीली रोड से इधर से पानी चले जाता था, लेकिन अब आबादी बढ़ गई, नाले वाले सब कब्जा हो गए, तो इसलिए पानी भी पूरा अंदर आ जा रहा है। तो मैं अध्यक्ष इस विधानसभा के माध्यम से और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि उस्मानिया के डेवलपमेंट के प्रति हाल ही में पहले कौन से पार्टी के लोग ऑब्जेक्शन करें मुझे पता नहीं, लेकिन लोकल विधायक होने के नाते मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उस्मानिया का डेवलपमेंट हो, एक मॉडल उस्मानिया बने, जो मुख्यमंत्री का जो वादा था 200 करोड़ रुपए की लागत से या 300 करोड़ की लागत से उस्मानिया हम डेवलपमेंट करेंगे, वो अगर वादा निभाएंगे तो कई गरीब लोगों को, कई ओल्ड सिटी के गरीब लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अध्यक्ष आज ओल्ड सिटी में अगर हम विकास का सोचेंगे, जैसे हरिताहारम के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, लेकिन ओल्ड सिटी में भी तो बहुत जरूरी है अध्यक्ष हरिताहारम, क्या वहां पर झाड़ हम नहीं लगा सकते? लेकिन दुर्भाग्य है झाड़ लगाने के लिए प्लेस नहीं है। अगर हम देखेंगे तो कब्जों का सबसे बड़ा अड्डा हमारा ओल्ड सिटी बन चुका है अध्यक्ष। वहां पर गवर्नमेंट लैंड कब्जा, इंडोमेंट लैंड कब्जा और तालाब कब्जे, मूसी नदी के उस साइड और इस साइड भी अध्यक्ष इनलीगल पट्टे बनाकर अध्यक्ष वो भी कब्जा हो जा रहे अध्यक्ष। मैं हमारे मूसी नदी चेयरमैन जी को भी मैंने कुछ फोटोज कुछ वीडियोस भेजा था कि जेसीबी लगाकर मट्टी भरकर वो लैंड को लेवल करके लीवर्ड बनाकर बेच रहे अध्यक्ष, कोई पूछने वाला नहीं। अध्यक्ष अभी देखिए थोड़ी सी अगर बरसात गिरी तो आज हमारी सिटी की क्या परिस्थिति हुई, अगर आने वाले समय में अगर ज्यादा बरसात होगी, अगर मूसी अगर छोटी हो जाएगी तो वही मूसी का पानी घरों में आ जाएगा, रोडों पर आ जाएगा, आवाजावन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आएगा अध्यक्ष। इसलिए मैं स्पेशली मूसी नदी के ऊपर भी ध्यान देने के लिए प्रार्थना करूंगा अध्यक्ष। ओल्ड सिटी में एजुकेशन बहुत जरूरी है अध्यक्ष, जैसे मुख्यमंत्री जी का एक सपना था KG-PG हर क्षेत्र में हम बनाएंगे, तो अध्यक्ष आज न्यू सिटी में सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है, KG-PG की जरूरत है अध्यक्ष। ये भी मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष। आज ओल्ड सिटी में कितने हम लोग 2 BHK हाउसेस बना सके और कितने लोगों को हम दे चुके, क्या वो बस हो गया अध्यक्ष? आज भी अध्यक्ष कई हजारों एप्लीकेशन सिर्फ हैदराबाद पार्लियामेंट से कई हजारों लाखों एप्लीकेशन पेंडिंग है अध्यक्ष। मैं समझता हूं कि सरकारी लैंड बहुत ज्यादा है, बहुत सारा सरकारी लैंड कब्जा हो चुका है, उन लैंडों को आइडेंटिफाई करें, जहां जहां पर हम लोग 2 BHK बना सकते हाउसेस बना सकते वहां बनवाइए, जिन जिन लोगों को गरीब लोगों को घर नहीं है उन लोगों को घर दीजिए, ये मैं प्रार्थना करना चाहूंगा अध्यक्ष। और अध्यक्ष जैसे वर्कबोर्ड लैंड की बार बार इस विधानसभा में चर्चा हो रही है, तो अध्यक्ष पहली बार मुख्यमंत्री जी इस राज्य के मुख्यमंत्री बने, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को यह याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को राइटिंग में एक डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं उनके चेंबर में कि कहां कहां पर वर्कबोर्ड लैंड सर्वे नंबर के साथ में कहां कहां पर कितने 100 एकड़ कितने 1000 एकड़ कब्जा हो चुका है, वो मैंने मुख्यमंत्री को दिए अध्यक्ष। एक बार उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन अगर बिठा दे तो कई सारा ऐसा वर्कबोर्ड लैंड है अध्यक्ष जो इनलीगल कब्जा होकर प्लाटिंग भी हो चुकी है, वो सारा का सारा बाहर आ सकेगा अध्यक्ष। उसी प्रकार से अध्यक्ष आज हम ओल्ड सिटी की अगर बात करें तो बिना डेवलपमेंट की हम बात नहीं कर सकते अध्यक्ष। जैसे ऑडिटोरियम मेरी विधानसभा में एक भी नहीं दिया गया अध्यक्ष, वैसे ही ओल्ड सिटी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के तहत 10,000 रुपए सभी को लोन दिया गया अध्यक्ष। जैसे 38,000 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किए, इनमें से कितने लोगों को हम ये स्कीम के तहत हम लोग पैसा दे सके अध्यक्ष, आज मैं पूछना चाहूंगा अध्यक्ष। रोड वेंडिंग मेरे विधानसभा में जैसे बेगम बाजार से गोशामेल पेट्रोल पंप ऐसे कई क्षेत्रों में रोड वेंडिंग का भी काम रुका हुआ है अध्यक्ष। बेगम बाजार बहुत ही ऐतिहासिक बेगम बाजार क्षेत्र अध्यक्ष, उसका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है अध्यक्ष। आज हमारे को सबसे बड़ा रेवेन्यू भी उस क्षेत्र से आता है अध्यक्ष, लेकिन वो डेवलपमेंट के प्रति भी
सरकार क्यों पीछे हट रही है इसके लिए मुझे पता नहीं अध्यक्ष। और एक अध्यक्ष, जैसे मेरी विधानसभा में स्टेडियम है, ऑल सिटी के नौजवानों को हम स्पोर्ट्स के प्रति अगर आकर्षित करना है अध्यक्ष, तो उनको स्पोर्ट्स से जोड़ना है। अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से हमारे केटीआर सर से ये निवेदन करना चाहता हूं कि एक दौरा एलबी स्टेडियम का करें। आज वो स्टेडियम है या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है, हमारे मिनिस्टर साहब देखेंगे और उसके ऊपर वही निर्णय लिए तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष, पूरा पार्किंग कॉम्प्लेक्स बन चुका है, वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अध्यक्ष, मैं एक जमाने पहले अध्यक्ष वहां पर बॉक्सिंग ट्रेनिंग लेता था, हमारे कोच डेनी स्वामी सर कई ऐसे हजारों बच्चों को लेकर वहां पे ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे। आज वो स्टेडियम अगर जाते तो तकलीफ होती है, हमारी गाड़ी भी पार्किंग करने को जगह नहीं। अध्यक्ष, वो परिस्थिति आज स्टेडियम की हो चुकी है। अध्यक्ष, और अध्यक्ष मैं आपके माध्यम से जैसे ओल्ड सिटी है, हमारे एक्सेस मिनिस्टर से निवेदन करना चाहूंगा कि आज धुलपेट के प्रति आप देख रहे होंगे कि 2014 से लेकर आज तक, यानी 7 सालों से मैं इस विधानसभा में चीख रहा हूं अध्यक्ष कि मेरे धुलपेट को बचाइए, मेरी विधानसभा को बचाइए। क्यों अध्यक्ष, इतनी छोटी निगाह से क्यों मेरे धुलपेट के लोगों को देखा जा रहा है? अध्यक्ष, एक जमाना पहले धुलपेट में गुड़म्बा बनता था, कारोबार बनकर आए, ठीक है, उनको रिहैबिलिटेशन करते हैं। बोले अध्यक्ष, रिहैबिलिटेशन बहुत कम हुआ अध्यक्ष, जितने लोगों को होना चाहिए था उतने लोगों को नहीं हुआ। अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से एक्सेस मिनिस्टर जी से और हमारे केटीआर जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को घर नहीं है, 2 BHK कुछ घर बने हुए हैं और भी हम बना सकते, लैंड है, कृपया करके जितने भी लोगों को जो रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ उनको रिहैबिलिटेशन करके उनको हाउसेस देने के लिए यह मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष। वैसे ही सेटविन सेंटर, अध्यक्ष अगर हम 4 से 5 सेटविन सेंटर अगर हम लगाते हैं तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी लेडीज, बहुत सारे नौजवान कुछ ना कुछ सीख लेकर अपने पैरों पर खड़ा होने का वो लोग प्रयत्न कर सकते हैं। अध्यक्ष, आज एक्साइज डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए प्रॉफिट आए हैं, 25,000 करोड़ प्रॉफिट आए हैं। उन 25,000 करोड़ रुपए में से अगर हम 200 या 300 करोड़ रुपए सिर्फ धुलपेट को टारगेट रखकर, धुलपेट में जो गरीब लोग हैं जो गुड़म्बा बनाते थे उनको टारगेट रखकर अगर हम रिहैबिलिटेशन का काम करेंगे अध्यक्ष, भूतों ना भविष्य कभी वो आपको नहीं भूल सकेंगे। अध्यक्ष, आज धुलपेट में गुड़म्बा बंद हुआ, एक गलत काम बंद हुआ, दूसरे गलत काम पे लोग चल रहे अध्यक्ष, दूसरे गलत काम पे, यानी आने वाले समय में अध्यक्ष बहुत बुरा अंजाम होगा। आज उसी धुलपेट में मैं रहता हूं, क्यों मैं भी दूसरी जगह रह सकता हूं, बंजारस या कहीं के और रह सकता हूं, उन्हीं के बीच में क्यों रहता हूं? क्योंकि उनमें एक चेंजेस लाना है, धुलपेट एक मॉडल बनना है। कल को लोग ये ना कहे कि हम धुलपेट नहीं आएंगे क्योंकि वो गुड़म्बे का अड्डा है, क्योंकि वो गांजे का अड्डा है, लोग ऐसा ना कहे। नहीं, एक जमाना पहले धुलपेट में गलत काम होता था, लेकिन आज धुलपेट में परिवर्तन आ गया है, धुलपेट के लोगों में परिवर्तन आ गया है, ऐसा लोग घूमने के लिए आए धुलपेट, ये मैं चाहता हूं अध्यक्ष। मजबूरी में लोग कारोबार करते हैं अध्यक्ष, कोई जानबूझकर जेल को जाने के लिए कोई कारोबार नहीं करता, जानबूझकर कोई गलत काम नहीं करता, मजबूरी अध्यक्ष, उस मजबूरी को समझो और उनको रिहैबिलिटेशन के लिए काम करे सरकार, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष। साथ ही साथ अध्यक्ष, आज हॉस्पिटल की कमी है अध्यक्ष, धुलपेट में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, एक अगर हम 50 बेड का अगर हॉस्पिटल, वही हॉस्पिटल को थोड़ा मॉडल करके अगर हम उसको बना दे अध्यक्ष, तो एक छोटा सा हॉस्पिटल भी धुलपेट वालों को मिल जाएगा अध्यक्ष। आज ड्रेनेज की व्यवस्था बहुत ही खतरनाक है धुलपेट में, रोड की व्यवस्था कॉन्स्टेंसी में पूरी की पूरी खराब है अध्यक्ष। मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूंगा, आखिरी मेरे एक 2 शब्द, अगर सरकार यह सोचती है कि गोशा महल में बीजेपी का विधायक है, अगर ये सोचती है तो अध्यक्ष मैं मेरे लोगों के लिए मेरे पद को छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मेरे लोगों को अगर सरकार बचाने का अगर आश्वासन देती है, अगर मेरे लोगों को अगर सरकार बचा लेती है, अगर एक बड़ा पैकेज अगर मेरे लोगों को दे सकती है, तो अध्यक्ष उनके विकास के लिए, मेरे गोशा महल विधानसभा की जनता के विकास के लिए आज इस पॉलिटिक्स में आया अध्यक्ष। और पॉलिटिक्स में आने के बाद में 2 टाइम का विधायक बनने के बाद में भी अगर हम हमारी विधानसभा की जनता के लिए अगर कुछ नहीं कर सकेंगे तो आने वाले समय में हम क्या फेस बताएंगे अध्यक्ष। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि बीजेपी, MIM, कांग्रेस ये ना देखते हुए, जैसे मुख्यमंत्री जी का सपना था बंगारू तेलंगाना, बंगारू तेलंगाना कब बनेगा? हर विधानसभा को एक नजर से देखने के बाद में बंगारू तेलंगाना बनेगा अध्यक्ष। एक साइड में हम करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एक विधानसभा में, दूसरी जगह पे हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे, दूसरी विधानसभा में हम पैसा नहीं खर्च कर रहे, ये कैसा बंगारू तेलंगाना बनेगा अध्यक्ष। इसलिए मैं आपके माध्यम से
ऑल सिटी के प्रति जो छोटी सी नजर है उस नजर को हटाकर एक बड़ी नजर से देखने की आज आवश्यकता है, यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष। धन्यवाद। रिप्लाई बाय मिनिस्टर।